झलक शर्फी सिवली नैना मदक बर्फी तेरी झलक शर्फी सिवली बादे गरे नर्वी। एक पति पत्नी के पवित्र रिश्ते से पैदा हुई औलाद और एक रखैल की औलाद में फर्क होता है या नहीं? खानदान का नाम जायज औलाद को दिया जाता है, नाजायज औलाद को हरगिज नहीं। नाव में बैठकर जाल फेंकना बहुत आसान है, पानी में उतरेगा तो बड़ी मछलियां खा जाएंगी। इस काम का सबूत तो सबके सामने पड़ा है, अब से सिंडिकेट का सारा काम पुष्पा ही संभालेगा। जिसको भी अपना माल बेचना है पुष्पा को ही बेचेगा। यही कमी थी, कमी थी बस वो बस एक चीज की, इज्जत की। सर की कमी थी। तेरे को शादी में आना होगा। नहीं सर, कृपा करके मारी शादी में पधारिए। माल उनसे बचा कर पार करवाने का दम है दो बात का। ये पीली साड़ी पहनकर गजरा लगाकर रात में मेरे पास आ। उठा इसे। यारे भूल गया कि हम लोग कौन हैं? तेरे को धंधे में पार्टनर बना के तुझे सिर आंखों पे बिठाया और तू हमारे ही भाई को मारने चला था। बहुत भेजना था ना मेरे भाई को उस पुष्पा को मारने के लिए। तू भी तो पुष्पा को ठोक नहीं पाया ना, तो फिर तू कैसे जिंदा बच गया? माल लोड हो गया है, चले क्या? हाँ तो ये सब ले लिया ना? कुछ बचा क्या? मैं कौन सी मस्ती किया? तेरे सब एड़े चाले समझ रहा हूँ। बताओ तो मैंने क्या किया? अच्छा लगा ना मैं? तो क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि हंसने का पैसा दिया था। पैसा? हाँ। कौन सा पैसा? मैं तुझे देख नहीं रही थी इसलिए तू कावरा बावरा हो रहा था ना। तेरा दोस्त केशव है ना, उसने हंसने के 1000 रुपए दिए थे। पुष्पा, पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं। सब बता दिया तो मालिक छोड़ेगा नहीं। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं।